जय श्री कृष्णा। मैं विजय मंडविया गोवा में रहता हूँ। फर्स्ट लॉकडाउन आने के समय पे हमारा बहुत नुकसान हो गया, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी कि हमारा लोन माफ़ करने की कृपा कीजिएगा। लॉकडाउन होने में हमारा काजू बहुत खराब हो गया था और जला देना पड़ा, और हमने उसके बावजूद भी 5 साल से लगातार पैसे और इंटरेस्ट भरते आए हैं, लेकिन अभी परिस्थिति विकट होती जा रही है, तो आप कृपा करके हमें माफ़ी करके हमें शांति से रहने के लिए हेल्प कीजिए। तो अभी मुझे बताइए आप क्या व्यवसाय करते हैं अभी? अभी काजू का प्रोसेसिंग का काम करते हैं। ओके, और काजू आपने क्यों जलाया? काजू लॉकडाउन होने में उसकी लाइफ 2 महीने की रहती है, तो पूरा फंगस हो गया था और पूरा बास आने लगा था, खराब हो गया था, जिसका कोई पर्याय नहीं है, उसको जलाना ही पड़ता है। ओके, तो कितने रुपए का काजू आपने जलाया? करीबन 15 से 17 लाख रुपए का। ओके, तो उतना आपका नुकसान हो गया? हाँ सर। लॉकडाउन की वजह से ये हुआ या और कोई? नहीं, लॉकडाउन की वजह से बाहर जाने को मिलता ही नहीं था कहीं पर भी 2-2.5 महीना, तो वो पूरा का पूरा बंद रहने में, सभी दुकानों में जो सप्लाई था सभी बंद होने में सब खराब हो गया। तो इसके रिलेटेड क्या समस्या है आपको? इससे रिलेटेड बैंक हमें बहुत परेशान कर रही है सर, और बिजनेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है? हाँ। क्या परेशान कर रही है आपको? थोड़े भी पैसे कम हुए तो इतने फोन आते हैं, 500 रुपया कम है तो बोलते हैं एनपीए हो जाएगा, और बार बार बिना कुछ भी कहे 6-6 महीने में एनपीए कर देते हैं, जबकि हमारा 5 साल का रिकॉर्ड साफ है। आपका कहना है कि आप रेगुलर किस्त देते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं, 5-5 ईयर का रिपोर्ट भी साफ है, फिर भी एनपीए करने की धमकी देती है? हाँ। ओके, और ये बार बार कर रही है और एनपीए भी करा देती है? हाँ, और इतने चार्जेस लगाती है कि हमारे को प्रॉब्लम हो जाता है, और बार बार पेनल इंटरेस्ट का लगाता है। जब उन्होंने एक बार हमारे को भेजा था और 1 साल पेनल इंटरेस्ट नहीं लगाया, तभी दूसरी बार हमने बताया तो उसका भी 1 साल का रिफंड दिया, और 3 साल का कोई जवाब भी नहीं देता है, कोई प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते बैंक वाले। Okay, तो आप किस प्रकार से रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं बैंक में? हम उनको बोलते हैं कि हमारे को शांति चाहिए, सालाना हम पैसा आपका रिफंड करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं हर महीने को देने का, जबकि हमके जून जुलाई अगस्त के अंदर हमारा बिजनेस बहुत नील रहता है, तो उस टाइम में हमने बोला हम 1 साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर में भर देंगे, तभी बोलता है नहीं तुम्हें कैसा भी करके हर महीने को पैसा भरना पड़ेगा। चार-2 साल के अंदर 5 मैनेजर बदली हो गए, वो बोलता है मेरा नहीं है उसका था, वो बोलता है मेरा नहीं है उसका था करके। मतलब आपका कहना है कि जिम्मेदारी जो है एक दूसरे के कंधों पे डाल रहे हैं मैनेजर? हाँ सर, और कोई जवाब कोई रिस्पांस देता ही नहीं है, मेरे हाथ में नहीं आता है उसके हाथ में जाओ, इधर से घुमाते उधर से घुमाते है। शायद हो, हमको तो ऐसा लगता है, क्योंकि 2 साल में 4 मैनेजर बदली हो गए तो हम किसके पास जाएंगे, जबकि हमारा तो रिकॉर्ड साफ है, हम तो झूठ थोड़ी बोलेंगे, बैंक में से निकाल सकते हो आप कि हमने 4 साल में कितना इंटरेस्ट भरा है। बिल्कुल, तो अभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री जी से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें थोड़ा शांति से जीने दो और हमें थोड़ा हमें माफी कर दो बस। बहुत समय इस सालों में करीबन हमने 70-80 लाख रुपया तो ब्याज भर दिया है। 70-80 लाख रुपया ब्याज भर दिया? हाँ सर। और आपको जो भी नुकसान हो रहा है कोविड के बाद हो रहा है, कोविड से पहले भी आप किसी भी इसी तरह से? नहीं, कोविड के पहले तो सभी रिकॉर्ड साफ था, कोविड के बाद का ज्यादा नुकसान हो गया कि जो हमारे स्टॉक में से 15-17 लाख रुपया ऐसे ही चले गए, उसका हमें ब्याज भरना पड़ता है, और बिजनेस की परिस्थिति पहले की जैसी अभी तक बराबर नॉर्मल भी नहीं हुई है। ओके, तो आपका कहना है कि कोविड के बाद जो परिस्थितियां जो है विपरीत हुई है, कोविड से पहले आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, जो अचानक से लॉकडाउन लगाया है उसके वजह से आपको ज्यादा नुकसान हुआ है? हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो इसमें अगर मान लीजिए आपको वित्त मंत्री अगर दिल्ली बुला रहे बात करने के लिए, तो आप आ पाएंगे दिल्ली? हम आने के लिए तैयार है सर। ओके, आपकी बात उनके सामने रख पाएंगे? हाँ, सभी सभी बता दूंगा, सब रखूंगा, मेरे पास उनका प्रूफ भी है कि हमने सब चला दिया था काजू। तो अभी आपने जानकारी दी हमें, इसके लिए आपका धन्यवाद, लेकिन अभी आपकी भी आपको आवाज जो है आपको उठानी पड़ेगी, तभी हम आपकी बात जो है ऊपर तक ले जाएंगे, है ना? आपने कर्जा माफी का फॉर्म भी भर दिया है और हमारी तरफ से जितनी भी मदद होगी बिल्कुल हम मदद करेंगे आपकी। ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जय हिंद।